पिता को ये लगातार गुमराह करता रहा, ये उसकी माँ जीनत है, वो लगातार गुमराह करती रही कि बच्चा यही है, बच्चा मिल जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि इनकी जो माँ को जो बच्चा गायब हुआ है इसको भी इन्होंने कहा कि पुलिस को और किसी रिश्तेदार को भी मत बताओ। कई इनके जो बिल्कुल सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उनको भी नहीं बताने दिया। ये बच्चा 24 तारीख को गायब हुआ था, उनको 25 तारीख को जानकारी हुआ। ये लगातार यही कहती रही कि बच्चा मिल जाएगा, बच्चा इधर है, बच्चा उधर है। फिर उन लोगों ने जब बच्चा नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी, हम लोगों ने तत्काल इस पर FIR पंजीकृत किए और संबंधित सभी CCTV फुटेज और सारी चीज़ों को हम लोगों ने कोशिश की और मस्जिद से भी अलाउंस कराए, मीडिया को भी बताया सारी चीज़ों का। अचानक बच्चे की बॉडी मिलती है, उसमें हम लोगों ने PM कराया। PM में जैसे चूँकि गला घोटने का आया है और कोई और बॉडी चूँकि 10 डेज पुरानी बता रहे हैं तो उस पर तत्काल हम लोग कार्रवाई करते हुए इसको जिलाधिकारी को हिरासत में लिए। इसने ये अभी तक बताया है कि इसके चूँकि पुराने रिश्तेदारी चल रही है और इनकी किसी बात को लेकर दिल्ली में भी अभी लड़ाई झगड़ा हुआ था, दिल्ली में भाप देने को लेकर इसमें इनके दोनों में बहस हुई थी। और इनकी जो मामी है, जो उसकी बुआ है लड़के की, बुआ की और जो मृतका की माँ है, इनमें काफ़ी हद तक हुआ था। इसी बात को लेकर इनके बोलचाल ख़त्म हो गई थी, आना जाना ख़त्म हो गया था, लेकिन ये जुल्फ़िकार ये लगातार 1-1.5 महीने से इनके घर जाने लगा और इसने बताया कि हमारी सारी पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, हम लोग आना जाना शुरू कर देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में इनकी माँ ने माँ गई थी इसके घर और गायब करके इसने उसी दिन हत्या कर दी। सर, पुलिस ने सत्याकांड का खुलासा कैसे किया? इसमें तो सबसे हम लोग इसमें तो एक तो गुमराह कर रहा था। CCTV फुटेज भी हमारे पास, हम लोगों ने उस पर भी छानबीन की, क्योंकि इसके PM की रिपोर्ट, सारी चीज़ें डिपेंड की PM की रिपोर्ट, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि वहाँ नाले का निर्माण हो रहा था, नाले के निर्माण के दौरान अगर डेथ कर गया हो, लेकिन जैसे PM की रिपोर्ट आई फिर हम लोग के पास सारी चीज़ें छानबीन करते हुए और ये घटना का अनावरण किया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, इन लोगों को तांत्रिक विद्या का भी कोई मामला सामने आया? अब आप इसके फादर का कहना यह था कि भाई तांत्रिकों ने फोन करके बुलाया कि आपका बच्चा मिल जाएगा, आप मेरे पास आ जाओ बेगमपुर पे। अभी तक आपको देख रहे हो इसमें उसको शक था, उसको उनको उनके परिवार परिजनों को शक था कि कहीं कोई बाहरी व्यक्ति या कोई तांत्रिक प्रक्रिया कर तो नहीं है। लेकिन जैसे उनके हम माँ बाप को भी कल बुला लिए थे, उनके सारे रिश्तेदारों को बुला लिए थे, इन लोगों ने जब बात की उन्होंने भी स्वीकार किया कि हम लोगों का इस परिवार से लगातार करीब 2-3 सालों से मनमुटाव चल रहा था, कई मामलों में हम लोग का वो भी चल रहा था, दोनों के आपस में बात भी कराई गई, तो इसने खुद ही स्वीकार किया कि उससे कोई मतलब नहीं, हमको चूँकि टसन थी, इसके जो मृतक के सगे चाचा से भी इनकी टसन चल रही है, उसके यहाँ भी जुल्फिकार जाता था, उनके परिजन भी इसको लगातार मना करते थे कि मेरे परिजनों से आपका कोई मतलब नहीं है, मेरे यहाँ मत आया करो। तो इसी सब चीज़ों के चूँकि समाज में जुल्फिकार का कहना है कि हमारी समाज में काफ़ी बेइज्जती इनके परिवार के द्वारा की गई, क्योंकि हम अच्छा खासा इनके घर जाते थे, इन्होंने अपने घर आने से मना किया और साथ ही साथ सारे रिश्तेदारी में भी ये फैलाने की कोशिश की है कि जुल्फिकार अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो इससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा और हमारे जो पारिवारिक और जो रिश्तेदारों में हमारी इमेज काफ़ी ख़राब हुई, इसी को देखते हुए इसने घटना कारित की है कि जिस तरह से हमको पूरे परिवार को दुख इन्होंने पहुँचाया और हमको सबसे परिवार से अलग किया, रिश्तेदारों से अलग किया, इसी तरह इनको भी सारी चीज़ों का हो। तो ये पूरी तरीके से उसमें कहीं से कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं तथ्य पाई गई और आगे की कार्रवाई विवेचनात्मक की जा रही है, जो भी तथ्य होगा उसे आधार पर कार्रवाई की जाएगी।